और हुकूमत ये नहीं है कि उस पर नहीं कर रही है, लेकिन बहुत कम हो रहा है, जितना कर लेना चाहिए उससे बहुत कम हो रहा है। कितना अच्छा आइडिया, नहीं है ये ब्रिलियंट थानों के अंदर? नहीं, हो रहा है, इस पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इस पर काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन वो कर इस रफ्तार से रही है कि वो जब तक वो काम होगा शायद तब तक नई जनरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी की वो अवेलेबल होगी या इसका वो फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या रोल प्ले कर रहा है आईटी के फरोग के लिए? प्राइवेट सेक्टर ने रोल क्या प्ले करना है, वही है कि जो 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 मैन पावर है उसको कंज्यूम कर रहा है, और जो कुछ डोमेस्टिक बिजनेस है उसको कर रहा है, कुछ एक्सपोर्ट्स हो रही है। अच्छा, और आप आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो पूरी दुनिया है वो सिमट गई है, ग्लोबलाइजेशन, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? नॉलेज एट हैंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको पता है कि ये जितने भी ये नॉलेज इंजन्स हैं और ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ लाइक एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ इसमें आई है, और इसको अब यूटिलाइज करना जो है वो मेरे और आपके उस स्वाभाविक पे है, उसको किस तरह हम पॉजिटिवली करते हैं या उसको वेस्टेज ऑफ टाइम में लेते हैं कि आप जो है ना वो आपके पास अगर इंटरनेट अवेलेबल है उसको आप टाइम वेस्ट भी कर सकती हैं, चैट कर लें आप, 10 बंदे जो है ना आपस में करते रहे, हाँ मतलब कर लेनी चाहिए, दुआ सलाम कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन फायदा भी उठाया उस चीज़। हाँ, ये सोशल प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसमें नॉलेज शेयरिंग भी बेशुमार होती है, ठीक है, तो वो दुनिया वाकई सिमट गई है उस लिहाज से अगर आप देखा जाए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो एवरीबॉडी इज कनेक्टेड विद एवरीबॉडी। ग्रेट। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जरा थोड़ा हट के टॉपिक से हट के बात कर लेते हैं कि बिजनेस करते हैं और इतना कामयाब तरीके से आपने संभाला हुआ, आप मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या मशागल है आपके? मेरा वैसे आप सच पूछें तो मेरा काम मेरा मशगला है। अच्छा जी हाँ, आई लिव वेरी हैप्पीली वर्किंग, बट मुझे पता चला आप गोल्फ खेलते हैं। लेट टाइम में यस, वीकेंड्स पे अगर मैं मुल्क में हूँ तो कोशिश ये होती है कि गोल्फ कोर्स में जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, बिकॉज वो कंक्रीट से एयर कंडीशनिंग से आप निकल के जरा गोल्फ खेलने से आप रिलैक्स होते हैं, बिकॉज मैंने जितनी बार ट्राई किया मैं तो परेशान हो जाती हूँ, मुझे लगता है बड़ा वाकई दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बर्दाश्त चाहिए होती है। नहीं ऐसा नहीं है, आई थिंक ये एटीट्यूड की बात है, अगर आप हाँ एग्जैक्टली इफ यू लाइक इट यू वुड लाइक इट। टाइम बिल्कुल हमारे पास खत्म हो चुका है, जल्दी से मैसेज दे दें स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए जो आईटी प्रोफेशन में आना चाहते हैं। सबसे पहले ये है कि स्टे पॉजिटिव, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, थिंग्स विल टर्न गुड इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि अपने आप को फोकस रखें, डिसिप्लिन रखें। थैंक यू सो मच नसीर साहब, जबरदस्त गुफ्तगू हुई, बहुत मजा आया। यहाँ पर हमारा सेगमेंट खत्म होता है, आपसे फिर मुलाकात होती है दूसरे सेगमेंट में, उससे पहले हम लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला, और ये हमारा सेगमेंट है ब्यूटी का। सारी खवातीन जो हैं वो कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं, बिकॉज हम आपको इसमें टिप्स देने वाले हैं। उससे पहले मेहमान से भी आपका तारुफ करवाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूं। तो जी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि जदीद तहकीक से पता चला है कि डिप्रेशन के शिकार अफराद को केला खाने से उनके इस मर्ज से बेतहाशा कमी की जा सकती है, यानी कि उनका डिप्रेशन कम हो सकता है अगर वो केला खाएं। बनाना और केले में एक खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है जिसकी वजह से जो डिप्रेशन है उसको कम किया जा सकता है। वैसे अजीब सी बात है कि केला खाएं, फिर आप केला तो फैटनिंग होता है, केला खाएंगे तो जी आप मोटे हो जाएंगे, तो उससे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिप्रेशन होगा, बिकॉज इससे बुरा डिप्रेशन को हो ही नहीं सकता मोटापे का। अच्छा, उसके बाद दूसरा फैक्ट ये है कि जी चॉकलेट में भी एक ऐसी खासियत पाई जाती है जो बुरे मूड को अच्छा कर देती है, खुशगवार बनाती है। इसकी वजह से जो है उसका जो क्रीमी टेक्सचर होता है वो दिमाग में खास किस्म की रतूबतें खारिज करने में मदद देता है, जिससे इंसान का मूड खुशगवार हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, और अब मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ कौन है। आज हमारे साथ इस सेगमेंट में हमारी मेहमान है अनुशे असद, और अनुशे जो है उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि हाई प्रोफाइल फैशन मैगजीन जो है उसकी एडिटर हैं, और डेली टाइम्स में आर्टिकल्स भी लिखा करती थी, और उसके अलावा एक इंटरनेशनल ब्रांड है उसकी स्पोक्स पर्सन भी है। क्या हाल है अनुशे? ठीक बिल्कुल, हाउ आर यू? यू लुक ब्यूटीफुल। आई एम फाइन, ग्रेट। अब बहुत से लोग हमें ये भी कहते हैं कि जी
फ्रेश फ्रेश चेहरे बुलाया करें, खूबसूरत लोग बुलाया करें। तो आज इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, ठीक है? अब तो शिकायत नहीं है ना आपको, आज इतना फ्रेश और खूबसूरत चेहरा हमने बुलाया। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं लिपस्टिक्स और मेकअप का जो ट्रेंड है जो आजकल चल रहा है, जिस तरह का मेकअप और आई मेकअप मुख्तलिफ तरह के, तो आपसे बेहतर कौन जानता है? आप ब्रांड की स्पोक, इतना बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है उसकी स्पोक। वेल आई थिंक बेसिकली होता यूँ है कि कुछ इंटरनेशनल जो फैशन वीक्स होते हैं उन पे कुछ ट्रेंड्स डिपिक्ट किए जाते हैं जो फिर इवेंचुअली हमारे मुल्क में ट्रिकल डाउन कर लेते हैं। तो पिछले 2 साल से रनवे पे मिनिमलिस्टिक लुक इज़ वेरी इन, और मिनिमलिस्टिक लुक जो है वो अब फाइनली यहाँ आके कुछ इन फैशन हुई है पिछले कुछ अर्से से। सो इन दैट ऑल यू नीड टू डू इज़ अ लिटिल बिट ऑफ पाउडरिंग, नॉट अ थिक बेस, नॉट टू मच कवरेज, उसके साथ अ लिटिल बिट ऑफ मस्कारा, लॉट्स ऑफ नाइस ब्लश एंड ग्लॉस, जस्ट इट। तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए क्योंकि इतनी गर्मी होती है यहाँ पे, कौन इतना मेकअप लगाए और बहरा है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी को मद्देनजर रखे। सो हमारे टेम्परेचर के लिए बहुत अच्छी लुक है, दिन के लिए बहुत अच्छी, इतना तेज धूप में फिर अगेन बहुत ज्यादा मेकअप बुरा लगता है। सो दैट्स वन लुक दैट्स वेरी अनुशा। व्हाट इफ यू हैव अनइवन स्किन टोन? अनइवन स्किन टोन के लिए बेस फिर एप्लीकेशन जरूरी है, बट आई थिंक गर्मियों में मूस बेस इस्तेमाल करनी चाहिए या लिक्विड बेस इस्तेमाल करनी चाहिए एज अपोज टू पैन केक्स एंड स्टिक्स, बिकॉज उनकी बहुत ज़्यादा थिक आती है लुक। ये मूस जो है बहुत लाइट वेट होता है, ये लगा के फील ही नहीं होता कि लगा हुआ। सो इवन टोन भी मिल जाती है एंड कवरेज भी थोड़ी बहुत हो जाती है एंड ज़्यादा फील भी नहीं होता। इस्तेमाल किया जा सकता है? I am personally anti concealers because concealer is scientifically just a thicker form of base. तो वो आप बेस से ही कंसीलिंग कर लें तो बेहतर है, ना कि आप लेयर पे कंसीलर फिर ऊपर वो फिर वो। आई थिंक इट्स यूजलेस। अच्छा, आजकल क्या किस किस किस्म के आई मेकअप चल रहे हैं आजकल? सबसे ज़्यादा तो न्यूड आई चल रही है। न्यूड आई मीन्स कि आप हल्का सा आईलिड पे ब्राउन या बेज या कोई न्यूड कलर लगाएं, no contouring, no crease definition, nothing, just a slight highlighter, mascara and that's about it. जिसने कुछ ज़्यादा करना है वो काजल is so out. प्लीज आज सब व्यूअर्स को ये पता चल जाना चाहिए कि काजल लगाना बस कर दें। इट्स सो लास्ट सीजन, इट्स नॉट इवन फनी, एवरीबडी इज बोर्ड ऑफ इट। और वो जो ये वाला आई लाइनर है ये अजीब लंबा लंबा, हाँ वो भी इट्स मैसिवली आउट। तो जितना भी मिनिमम आप करें आंख पे वो बहुत ज़्यादा इन फैशन है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये एक बात बताया अनुशा, अब फैशन की बात होती है लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कि किसका चेहरा कैसा है, मतलब कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सूट करती है? डिपेंड तो बिल्कुल करता है, डिपेंड बिल्कुल करता है, विच मीन्स कि थोड़ा सा अगर लोग सीख लें टेक्निकलिटी एप्लीकेशन की तो फिर कोई भी लोगों ने सूट कर सकती है। क्योंकि देखें मिनिमलिस्टिक या न्यूड मेकअप में भी मेकअप तो लगता है, वो लगता है इस तरह के फील हो के ना लगा हुआ। तो जिसको थोड़ी सी टेक्निक आती है वो अपने फीचर्स के साथ। आप बल्कि बाहर देखते हैं हॉलीवुड में कि इतना मेकअप वो लोग करते हैं लेकिन वो इतना न्यूड होता है, इतना ज्यादा लगा होता है, इतना ज्यादा लगा होता है। और आप उनको देखें विदाउट मेकअप और विद मेकअप तो डिफरेंस होता है, ह्यूज डिफरेंस, स्पेशली स्किन का, बिकॉज दे हैव वेरी लाइक पतली एंड फीकी फ्रैकल्स होते हैं, फ्रैकल्स होते हैं, बहुत फ्रैकल्स होते हैं, लोगों की वेन्स दिखती हैं उनकी, तो बहुत पतली स्किन होती है, बट इतनी अच्छी वो कवरेज करते हैं, बट देख के नहीं लगता कि कुछ ज्यादा किया हुआ है। अब लगता है कि उस क्वालिटी का काम हो रहा है पाकिस्तान में भी? हाँ हाँ डेफिनेटली, पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बल्कि मेरा ख्याल है मैसेज में अवेयरनेस भी आती जा रही है। जबरदस्त। अच्छा, अब मैं चाहूंगी जो खवातीन लड़कियां इस वक्त बैठ के देख रही हैं उनके लिए खास तौर पर कि हमें थोड़ा सा ये बताएं कि अगर किसी का ब्रॉड फेस है तो उसको कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, फिर मैं आपसे आगे। अगर ब्रॉड फेस है तो आई थिंक सबसे पहले ब्लशर की एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है कि वो सीखें। अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है सो देयर ब्लश एप्लीकेशन नीड्स टू बी एंगुलर एज अपोज टू सिर्फ एप्पल्स ऑफ द चीक पे करना, क्योंकि उससे फिर वो दो गोले से बन जाते हैं और बड़ा लगता है। सो बहुत ऊपर लगाएंगे तो वो और ब्रॉड लगेगा। तो ये जो कॉन्टूर बनती है यहाँ पे आई थिंक एप्लीकेशन सबसे पहले ज़रूरी। उसके अलावा आई मेकअप, अगेन इट डिपेंड्स कि ब्रॉड फेस है तो आंखों का शेप और साइज क्या है, सो उसके हिसाब डिपेंड करता है। अच्छा, और अगर लंबा है चेहरा और पतला है तो क्या किस किस्म की कंटूरिंग करनी चाहिए, कौन से शेप? अगर लंबा और पतला फिर कंटूरिंग की बिल्कुल नहीं जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, वरना और बोनी लगेगा। मगर जब बेस लगती है शक्ल पे, चाहे वो लाइट हो या हैवी हो, बेस के बाद थोड़ी बहुत कंटूरिंग करनी पड़ती है।